टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम हमदा से मैं हूं बशीर। सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। जैसा कि आपको पता है ब्रह्मोस इस नाम ने पूरी दुनिया में एक दहशत सी कायम की हुई है और पूरी मतलब दुनिया में एक तरह से ब्रह्मोस का एक डंका बजता है और कंट्रीज पे कंट्रीज भाई ऑर्डर दे रहे हैं। पिछले दिनों इजिप्ट का सुना था, फिलीपींस ले रहा है, अच्छा वियतनाम का बोला जा रहा है, इंडोनेशिया का बोला जा रहा है, सॉरी इंडोनेशिया नहीं मलेशिया का बोला जा रहा था, और अब फाइनली जो वो है इंडोनेशिया वो भी भारत से इसको लेना चाहता है। तो इसी के बारे में वीडियो है। तो इंडियन टीम विजिट इंडोनेशिया, ब्रह्मोस डील टू साइन सून, मतलब इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस की डील इंडिया साइन बहुत जल्द करने लगा है, उसके बारे में वीडियो है। एकदम से भाई इंडोनेशिया कैसे लेने लगा और ये अचानक से खबर आई है, पहले इस तरह के इसके बारे में कुछ नहीं पता था, अचानक से हुआ। तो बिना किसी देरी के देखते एनडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट यार, डंका बजा दिया भाई, जाता गया भाई साहब। तो दोस्तों कमर कस लीजिए और सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हमारे डिफेंस का एक्सपोर्ट अब हर साल रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक बड़े देशों के साथ हमारी जो डील है एडवांस स्टेज के अंदर चल रही है। हाल ही में दोस्तों भारत के डिफेंस के एक्सपोर्ट के आंकड़े आए हैं, 13,000 करोड़ का डिफेंस का एक्सपोर्ट कर दिया है। हालांकि ये इतना एक्सपोर्ट तब हुआ था क्योंकि फिलीपींस को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की डील कर ली थी। लेकिन दोस्तों अब एक और नया देश तैयार हो गया है जो हमसे ब्रह्मोस मिसाइल की डील करना चाहता है। दोस्तों ये देश कौन सा है और हमारी और रशिया की टीम उस देश के अंदर जो जाकर आई है, ये सबूत है कि हमारी एडवांस स्टेज में बात चल रही है। तो सारी बातें आज आपको जानने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने सबसे पहले ये एक रिपोर्ट पेश की है और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। 19 जुलाई 2:18 में इसे अपडेट किया गया है और इसके अंदर लिखा गया है कि इंडोनेशिया अगला ग्राहक है ब्रह्मोस मिसाइल का। क्यों? क्योंकि हमारी इंडोनेशिया की सरकार के साथ एडवांस स्टेज में बातचीत हो रही है और फिलीपींस को जब से हमने अपनी एक मिसाइल एक्सपोर्ट करने की डील की है तो उसके बाद इंडोनेशिया दूसरा आसियान मेंबर कंट्री है जो हमसे ये मिसाइल लेना चाहता है। दोस्तों क्या होता है, 2018 से ही इंडोनेशिया की सरकार अपना इंटरेस्ट दिखा रही है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर, और तब से लेकर अब तक अलग अलग बातचीत भी हुई है और हमारी और रशिया की जो टीम है वो अभी हाल ही में इंडोनेशिया के शिपयार्ड का दौरा करके आई है और वहां पर दौरे करने का मेन मकसद था कि मिसाइल किस तरीके से फिट करनी है, किस तरीके से सारी प्रक्रिया अंजाम देनी है, उस सारी बातों को देखकर वो एक डिसीजन लेने वाले हैं। हालांकि ये जो टीम थी ब्रह्मोस एरोस्पेस ज्वाइंट वेंचर की नई दिल्ली और मॉस्को की थी और उसके चलते ये एक विजिट हुई थी। हाल ही में दोस्तों हमने फिलीपींस को $374.96 मिलियन की एक डील के चलते एंटी शिप वेरिएंट दिया है और इंडोनेशिया भी इसी तरीके की ब्रह्मोस मिसाइल की डील हमसे करवाना चाहता है। ब्रह्मोस मिसाइल एयरक्राफ्ट में भी लग सकती है, शिप में भी लग सकती है, लैंड में भी लग सकती है, सबमरीन में भी लग सकती है और चारों वेरिएंट भारत के पास है और 3 मैक के करीब जो स्पीड है इस मिसाइल की बताई जा रही है। हालांकि अभी हाल ही में हमारी मलेशिया के साथ भी बात चल रही है एलसीए तेजस को लेकर और वो भी एडवांस स्टेज के अंदर है और इंडोनेशिया के अंदर भी ये जो एक डील है एडवांस स्टेज में बातचीत चल रही है और इस साल नहीं तो अगले साल ये डील आपको हर हाल में होती हुई दिखाई देगी। हालांकि कंट्रीज के इंटरनल मैटर होते हैं और बाहर की कंट्री में क्या रिएक्शन होगा ये सारी बातें को देखकर इंडोनेशिया थोड़ा समय लेना चाहता है और ये डील बहुत जल्द होने वाली है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अंदर दावा किया है। अब दोस्तों आपका क्या कहना है, ब्रह्मोस मिसाइल तो अभी एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो तेजस एक्सपोर्ट होगा, अभी हमारे हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट हो गए, अभी हमारे ड्रोन एक्सपोर्ट हो गए, अभी हमारे जो एक जितने भी वॉरशिप है वो भी हम एक्सपोर्ट करेंगे। बहुत सी चीजें भारत अब बनाने लग गया है और बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयारियां शुरू है और रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। अभी पिछले दिनों ही हमने फिलीपींस का एक ऑर्डर बुक किया और अब इंडोनेशिया भी एडवांस स्टेज में हमसे ये एक टॉक के चलते डील करवाना चाहता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। यार बहुत बड़ी बात है, देखा जाए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। ऐसा लग रहा है ये एशियन कंट्रीज तो भाई भारत के वेपन के पीछे ही लग गए हैं सारे। तो मैं पहले फिलीपींस से स्टार्ट हुआ, मलेशिया, मलेशिया से अब इंडोनेशिया। भाई मतलब क्या हो रहा है? तो मैं बात बताऊं, ये सिर्फ शुरुआत है। देखो ये अचानक से, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये कुछ एक साल के अंदर अंदर तुम देख लेना, अचानक से
तकरीबन 10 से 12 देश और आ जाएंगे, वो कहेंगे हमें ब्रह्मोस मिसाइल दो, जो वेपन से लेंगे। और ये तो सिर्फ ब्रह्मोस शुरुआत है, ब्रह्मोस से ये अभी तेजस भी लेंगे, ये मतलब टैंक्स वगैरह भी लेंगे, गन्स लेंगे, मिसाइल और किस्म के बहुत सारे डिफेंस सिस्टम जो इंडिया बना रहा है वो लेंगे। फाइनली इंडिया एक सही लेवल में मतलब एंट्री मार दिया हथियारों के मार्केट में। पहले इंडिया सबसे बड़ा इम्पोर्टर माना जाता था कि सबसे ज्यादा इंडिया ही हथियार लेता है, लेकिन अब टाइम उल्टा हो रहा है, अब इंडिया बेचने की लिस्ट में शामिल हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान पता है किसको होगा? एशियन चाइना को। हाँ, चाइना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वेपन कोई नहीं लेता अफ्रीका में और एशिया में। हाँ। जो मुल्क थे ना वो इससे ले रहे थे, अब वो उससे हटकर अब वो इंडिया से लेना स्टार्ट। गाइस आप लोग क्या कहते हैं अपने राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार भाई।